इसलिए कर रहे हैं, हमारी जो पे है वो बहुत गलील है। आप जानते हैं इस वक्त महंगाई आसमान छू रही है। हम गवर्नर से ये कहना चाहते हैं कि क्या एक सिलेंडर की कीमत 1100 रुपए हो गई है? क्या हमारी, हम जो मेहनत करते हैं, हम पल्स पोलियो ड्यूटी देते हैं, हम घर घर जाके सर्वे करते हैं, हम लाडली बेटी फॉर्म भरते हैं, PMY फॉर्म भरते हैं, बाकी जितने भी स्कीमें ICDS में हैं हम वो पूरा करते हैं घर घर जाके। चाहे इस वक्त जब कोविड था, कोविड में भी आंगनवाड़ी वर्कर ने घर घर जाके कोविड की ड्यूटी दी है। हम चाहते हैं कि जिस तरह बाकी स्टेटों में इंसाफ किया गया है, उनके साथ इंसाफ किया गया है, उनकी पे जो है वो हाई की गई है, हम चाहते हैं हमारी पे भी उसी तरह हाई होनी चाहिए। और जिस तरह उनको 12,000, 20,000, 25,000 उसी तरह हम भी चाहते हैं। आप तो जानते हैं और गवर्नर साहब खुद जानते हैं कि जम्मू कश्मीर की हालत कैसी थी। इतनी बदतरीन हालत में भी आंगनवाड़ी वर्कर ने घर घर जाके अपना काम किया है, बच्चों को न्यूट्रिशन पहुँचाया है, सब काम किया है। जितने भी काम बाकी जिस डिपार्टमेंट में होता है वो सब आंगनवाड़ी वर्कर करती है। हम चाहते हैं हमारे साथ इंसाफ करो। अगर LG साहब, हम चाहते हैं अगर आप हमारे साथ इंसाफ नहीं करेंगे तो अल्लाह पाक की कसम हम एक महीना पूरा अपने बच्चों के सिमत सड़क पर बैठेंगे। तो बात करते हैं इतनी गवर्नमेंट अभी तक इस वक्त हम बहुत मजबूरी हम भी हैं, क्यों हमारे पास तनख्वाह बहुत कम है, हमने क्या खता किया, हम कहाँ जाएंगे? आखिर बोलते हैं सब सरकार के घर बहुत बड़ा है, हम जाते हैं उसी के पास। अगर उसको नहीं करना हमारे साथ ही इंसाफ, हमको साफ बताओ, उसको पता, वो बताएंगे हमको साफ, हम कुछ नहीं करेंगे, लेकिन हम भी काम नहीं करेंगे। आज बस आगे हमको लड़ाई करना है गवर्नमेंट के साथ, डिमांड आगे हमको लड़ाई करना है। डिमांड क्या रहेगी? तनख्वाह के लिए, पे के लिए, पे बहुत कम है, क्या करें? बच्चे भी है घर में, छोटे छोटे बच्चे, एजुकेशन भी है घर में, क्या करेंगे, कहाँ लाएंगे हम उतने पे? थैंक यू।